मायसेल्फ रामानंद शुक्ला फ्रॉम एलपीएम पब्लिक स्कूल गोला बाजार गोरखपुर। डियर स्टूडेंट, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू रीड चैप्टर 3 ऑफ हिस्ट्री एंड टुडे वी स्टार्ट आवर वीडियो फ्रॉम द तुगलक डायनेस्टी, दैट इज अ केस स्टडी। गियासुद्दीन तुगलक 1322-1325 CE। अलाउद्दीन खलजी डाइड इन 1316 CE। डियर स्टूडेंट, वी हैव ऑलरेडी रीड अबाउट अलाउद्दीन खलजी एंड अलाउद्दीन खलजी डाइड इन 1316 CE। हिज डेथ वॉज फॉलोड बाई अ ब्रीफ पीरियड ऑफ पोलिटिकल अनरेस्ट। इन 1320 द लास्ट खलजी रूलर्स खुसरो खान वॉज किल्ड बाई गियासुद्दीन तुगलक। इसके बाद का जो टाइम पीरियड है 1316 CE के बाद का, वो एक तरह से पॉलिटिकल अनरेस्ट था, मतलब पॉलिटिकल राजनीतिक उथल पुथल का समय था। एंड इन लास्ट द लास्ट खलजी रूलर्स दैट नेम वाज खुसरो खान वाज किल्ड बाय गियासुद्दीन तुगलक। इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू, खुसरो खान वाज किल्ड बाय गियासुद्दीन तुगलक, एन एबल स्टेट्समैन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और जो गियासुद्दीन तुगलक है वो एक एबल स्टेट्समैन था, मीन्स ए नोबल एंड एडमिनिस्ट्रेटर। गियासुद्दीन तुगलक लेड द फाउंडेशन ऑफ न्यू डायनेस्टी कॉल्ड द तुगलक डायनेस्टी। और इस तरह से देखेंगे हम, जो कि इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं मामलक डायनेस्टी, आफ्टर दैट खलजी डायनेस्टी, एंड नाउ वी रीड अबाउट तुगलक डायनेस्टी। तो इस तरह से मोहम्मद गियासुद्दीन तुगलक ने एक नई डायनेस्टी को फॉर्म किया और उसका नाम है तुगलक डायनेस्टी। He believed that the state should be based on the support of the people. वो इस बात में विश्वास रखता था कि जो states है वो based on the support of, मतलब लोगों के सहयोग पर ही वो आधारित होता है। He carried out many works of public utility and built. तो इस तरह से उसने public utility, लोगों की सुविधा को देखते हुए बहुत से ऐसे structures बनाए। उसमें से figure 3.7 में आप देख सकते हैं तुगलकाबाद फोर्ट इन दिल्ली बिल्ट बाय गियासुद्दीन तुगलक, द फेमस तुगलकाबाद फोर्ट इन दिल्ली। ही डाइड इन 1324 CE। ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन जौना खान हु इज अज्यूम्ड द नेम मोहम्मद बिन तुगलक आफ्टर बिकमिंग द सुल्तान। और इस तरह से 1324 CE में उसकी ही डाइड इन 1324 CE एंड ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन जौना खान एंड हिज निक नेम मोहम्मद बिन तुगलक। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट मोहम्मद बिन तुगलक 1325-51 CE। मोहम्मद बिन तुगलक वॉज वेरी लर्न्ड मैन। ही वॉज वेल वॉज इन संस्कृत अरबिक एंड पर्सियन। ही ऑल्सो हैड अ गुड कमांड ओवर रिलीजन फिलासफी साइंस एंड लिटरेचर। ही जौना खान दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मोहम्मद बिन तुगलक, ही वॉज अ वेरी लर्न्ड पर्सन, वो बहुत ही विद्वान था। He tried to resolve disputes through secular measures. He undertook numerous experimental projects. इसने जो disputes थे between the religions उसको secularly इसने solve किया। and इसके अलावा इसने कुछ experimental projects शुरू किए, हम उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। Despite being innovative, these projects failed since they lacked प्रूडेंट। और दुर्भाग्य से ये जो प्रोजेक्ट उन्होंने अप्लाई शुरू किए वो फेल्ड हो गए, उसमें कुछ खामियां थी, हम उन्हें आगे पढ़ेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक एम्पायर इंक्लूड द साधर्न स्टेट प्रेजेंट डे उड़ीसा बंगाल एंड द डेक्कन। तो मोहम्मद बिन तुगलक का जो एम्पायर है इसमें उड़ीसा बंगाल और डेक्कन जो इसमें वो सम्मिलित थे। शॉर्टली आफ्टर हिज एसेसन टू द थ्रोन ही डिसाइडेड टू ट्रांसफर द कैपिटल फ्राम डेली टू देवगिरी, रीनेम दौलताबाद इन द डेक्कन। जैसे ही उसने पावर को संभाला, सबसे पहला उसने जो ऑर्डर दिया वो ये कि ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल, मतलब कैपिटल को ट्रांसफ़र कर दिया जाए दिल्ली टू देवगिरी, दिल्ली से देवगिरी को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। देवगिरी का ही नाम बदल के दौलताबाद कर दिया गया जो कि डेक्कन में है। Due to the central location of Devagiri, the Sultan thought it would enable him to exercise control throughout the country and protect the Sultan against continuous Mongol attacks. ऐसा उसने इस वजह से किया
क्योंकि जो देवगिरी है वो सेंट्रली लोकेटेड है, मतलब सेंटर में लोकेशन में पड़ती थी हमारी कंट्री के, और वहाँ पे वो जो देवगिरी है दौलताबाद वो मंगोल्स अटैक से सेफ था। हिस्टोरियंस थिंक दैट ही ऑर्डर्ड नॉट ओनली द ट्रांसफर ऑफ हिज कोर्ट एंड ऑफिशियल बट द इंटायर पॉपुलेशन। हिस्टोरियंस डिस्क्राइब इट कि ही ऑर्डर्ड नॉट ओनली द ट्रांसफर ऑफ हिज कोर्ट एंड ऑफिशियल, ही ऑल्सो ऑर्डर्ड द ट्रांसफर ऑफ इंटायर पॉपुलेशन। एक्सटेंसिव अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर द लॉन्ग जर्नी दैट कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ अराउंड 1500 किलोमीटर। ये एक बहुत लंबी यात्रा थी 1500 किलोमीटर, तो जिसके लिए बहुत ज़्यादा अरेंजमेंट की ज़रूरत थी। टेम्पररी शेल्टर्स वर सेट अप अलॉन्ग द वे एंड फ्री फूड एंड ड्रिंक्स वर सप्लाइड। इसके लिए टेम्पररी शेल्टर्स बनाए गए और फ्री फूड और ड्रिंक्स की सप्लाई की गई। नेवर्थलेस मेनी पीपल्स डिड नॉट सर्वाइव द लॉन्ग एंड आर्डस जर्नी एंड द ऑपरेशन टर्न आउट टू बी अ टोटल फेल्योर। लेकिन ये एक इतनी लंबी यात्रा थी कि जो लोग हैं पीपल्स वो इसमें सर्वाइव नहीं कर पाए, और इस लंबी यात्रा की वजह से बहुत से लोगों की जान रास्ते में ही चले गए। एज इज मिनिस्टर कोर्टियर्स एंड सोल्जर्स वर नॉट कीन टू स्टे दैट न्यू लोकेशन, मोहम्मद बिन तुगलक ऑर्डर दे आर रिटर्न टू दिल्ली। और जैसा कि उसके कोर्टियर्स दरबारी और उसके सोल्जर्स और मिनिस्टर नई जगह पे खुद को सेट नहीं कर पा रहे थे, सेटल नहीं हो पा रहे थे, इस वजह से उसने ऑर्डर किया कि आप वापस दिल्ली चले जाए। उन्होंने ऑर्डर किया कि आप वापस दौलताबाद से दिल्ली चले। अनदर डेयरिंग एक्सपेरिमेंट अंडरटेकन बाय मोहम्मद बिन तुगलक वाज द इशूइंग ऑफ ब्रॉन्ज एंड कॉपर टोकन करेंसी। दिस मेजर्स एम टू ओवरकम द फाइनेंशियल क्राइसिस ओनिंग ऑफ द ड्रेन ऑफ द रॉयल ट्रेजरी एज द रिजल्ट। इसमें जो सबसे दूसरा डेयरिंग प्रोजेक्ट था मोहम्मद बिन तुगलक का, वो था इशूइंग ऑफ टोकन करेंसी ऑफ ब्रॉन्ज एंड कॉपर, और जिसकी वजह से जो रॉयल ट्रेजरी है वो बिल्कुल खाली हो गई। ऑफ हिज स्कीम, और उसकी स्कीम क्या थी, सच क्वाइंस हैड द सम मेड एज द गोल्ड एंड सिल्वर क्वाइंस नोन एज नोन एज पीपल वर इनकरेज टू यूज देम इन द ट्रांजेक्शन सून न्यू क्वाइंस बिगेन टू बी फ्रॉम एट एन अलार्मिंग रेट ऑफ ऑल द टोकन करेंसी